चाय लेकर आ गए हैं, और चाय के साथ साथ यहाँ पर एक रस भी मिलता है, पापे जिसे बोलते हैं ना, जो लोग दिल्ली से नहीं हैं उनके लिए। जब दिल्ली आओ तो चांदनी चौक आना, वैसे अच्छा मिलता है यहाँ पे सब सामान। और अंडे आलू और क्या, रोटी रोटी। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? तो आज ये है मेरा सेकंड ब्लॉग, क्योंकि फर्स्ट ब्लॉग तो मैंने आप अपडेट कर दिया है, तो अब वो आप लोग बताएंगे कि कैसा लगा। वैसे मैंने पूरी कोशिश किया था उसमें भी कि मैं आपको बोर नहीं करूँगी, और जहाँ तक मेरा ख्याल है मैंने आप सबको बोर नहीं किया है। तो बस आज मेरा ये सेकंड ब्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ, तो मुझे खुद नहीं पता रहता यार कि पूरा दिन क्या होगा, और किसी को पता नहीं रहता है। हाँ, जो जॉब वाले बंदे होते हैं उनको पता रहता है कि हमको मॉर्निंग में ऑफिस जाना है, इवनिंग में इस टाइम आना है, बट मेरा तो काम खुद का ही है, तो मुझे हाँ कब मीटिंग आ जाए, कब कहाँ जाना पड़ जाए, मुझे सच में खुद नहीं पता रहता। नहीं करते हैं, और कुछ लोग दिखाने के लिए बहुत सारी चीज़ें दिखाते हैं कि ब्लॉग बनाने के लिए। हाँ, मैं तो जैसी हूँ मैं वैसे ही दिखाऊंगी, चाहे मुझे कुछ महंगी चीज़ खरीदनी होगी तो मैं वो भी दिखाऊंगी, और मुझे 10 रुपये की चीज़ लेनी होगी तो मैं वो भी दिखाऊंगी, क्योंकि वो मुझे ज़्यादा पसंद है यार। ठीक है, ऊपर से दिखावे वाली चीज़ अच्छी नहीं लगती है। तो अभी तो मैं फिलहाल अपना वर्क कर रही थी बैठ के, और अभी देखो चाय का कप भी रखा हुआ है। आप सोच रहे होंगे मास्क लगा के ऊपर छत पे, क्योंकि धूप बहुत अच्छी हो रही है, हवा भी बहुत तेज़ चल रही है, तो बस फेस थोड़ा ड्राई ना हो इस वजह से मैं मास्क लगा के बैठी हुई हूँ, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। ये देखो मोस्टली लोग अभी छत पे होगा इस टाइम, इतनी मतलब अच्छा लग रहा है, बहुत प्यारी धूप आ रही है, और अजान की भी आवाज़ आ रही है। थोड़ी देर धूप में बैठेंगे फिर नीचे जाएंगे, अभी खाना खा के आई थी तो सोचा थोड़ा सा धूप ले ली जाए, विटामिन डी बहुत ज़रूरी है हमारी बॉडी के लिए, हेयर के लिए, हमारी स्किन के लिए भी। अभी मैं मास्क हटा के बैठी हुई थी, बस अब थोड़ा जा रही हूँ नीचे तो इसलिए मास्क लगा लिया मैंने। बट आप अगर धूप लेने जा रहे हो, कभी कभी जाते हो या डेली भी जाते हो ना, तो कम से कम 10 मिनट आप बैठ जाया करो धूप में, तो आपकी विटामिन डी भी आपको मिलता रहेगा, आपके हेयर को, आपकी फुल बॉडी को। और बस सुम्बुल को अभी कॉल किया, मैसेज किया मैंने अभी, जवाब ना आया, जवाब आया होगा, देखा मैं लिखा है हाय हेलो लिखा है। हाँ मैंने कहा बात कर लूँ फोन पर। हेलो जी, तो मैं अभी ब्रेकफास्ट पर मैं वीडियो नहीं बनाई थी, और हाँ वीडियो बनाई है मैंने, वो देख लेना ब्लॉग में, जगह जगह पे बनाई है, ऊपर छत पे भी गई थी, बाहर भी गई थी। तो अभी मुझे जाना है काम के लिए, चांदनी चौक जा रही हूँ मैं। दिल्ली वालों को तो पता ही होगा चांदनी चौक कहाँ पर है, क्या रोड मिलता है, तो कुछ मोबाइल के लिए भी कुछ ऐसी सीरीज वहाँ पे थोड़ा अच्छा मिल जाता है, ज़्यादा क्वान्टिटी मतलब सॉरी ज़्यादा क्वालिटी में मिल जाता है, कुछ भी आप पसंद कर सकते हो। और ये पानी की बॉटल इसलिए लेके जा रही हूँ क्योंकि मुझे वो बाहर का उतरने के बाद। मैं वीडियो नहीं बना पाई थी पूरी, क्योंकि इतना सारा रश होता है, सब लोग जानता है चांदनी चौक में कितना कुछ होता है। तो अभी मैं ले रही हूँ, माइक लेने आई थी मैं घर की, तो अभी भैया माइक वो पैक कर रहे हैं, फिर हम माइक लेने के बाद फिर मैं बाहर का ज़रूर व्यूज़ लूँगी सबके लिए। और अभी तो फिलहाल यहाँ तो इतना रश नहीं, इधर जाम में खड़ी हुई, मैंने सोचा एक वीडियो निकाल लेती हूँ आप सबके लिए, और ले लेते हैं।
तो मैंने आपको बताया था कि माइक लेना था, माइक ले लिया है और माइक के साथ मैंने कुछ सामान भी लिया है। तो बस अब थोड़ी देर में घर जाऊंगी क्योंकि अब अंधेरा भी होने वाला है। और मेरी दिखाई देखो, ये सब देखो कितना, मतलब ये देखिएगा आप सब लोग यहाँ पे होते हैं, इसलिए मैं कैमरा ज़्यादा निकाल नहीं पा रही हूँ। मैंने सोचा एक बार हमारे व्यूअर्स को मैं एक बार राउंड दिखा देती हूँ कि हमारे चांदनी चौक का नज़ारा देखें, जो लोग दिल्ली से नहीं हैं उनके लिए। जब दिल्ली आओ तो चांदनी चौक आना, वैसे अच्छा मिलता है यहाँ पे सब सामान, और मुझे भी बहुत अच्छा मिला, कम प्राइस में भी मिला है, बढ़िया मिला है। आप उनको क्या बोलते हैं, भाव कर सकते हो, कम कर देते हैं, ऐसा नहीं है, बढ़िया है। चलो फिर अब घर जाऊंगी, तो फिर घर जाके देखती हूँ क्या बनाती हूँ। बाकी छोटा सा व्यूज था आप सबके लिए। तो मेरा अभी जिम का टाइम हो गया है जाने के लिए, तो बस मैं जिम के लिए जा रही हूँ। और आप सब भी अपना थोड़ा सा भी टाइम निकाल के, जो मैंने पहले बोला, जिम के लिए ज़रूर जाएं, जितना भी टाइम मिले उतना जाएं, कोई बात नहीं। ज़्यादा देर नहीं कर पा रहे हैं तो एटलीस्ट 20 मिनट 25 मिनट, मतलब आधा घंटा तो मान के चलिए। अगर उतना टाइम नहीं दे पा रहे हो तो आप 10-15 मिनट जिम में वॉक करके आ जाओ, थोड़ा सा स्ट्रेचिंग करके आ जाओ बॉडी की, तो उससे भी बहुत अच्छा लगेगा। थोड़ा स्वेटिंग भी होगा तो हमको ठंड भी नहीं लगेगी। अभी मुझे इतनी ठंड लग रही है और अभी मैं जा रही हूँ जिम, और थोड़ी देर जिम में जाने के बाद ना तो मतलब मन करेगा कि थोड़ा सा फैन चला लूँ, तो इस वजह से हमारा स्वेटिंग भी हो जाता है, हमारी बॉडी हीट भी होगी। तो ठीक है, चलती हूँ मैं जिम। बाकी मैं जिम का देखो हर वक्त तो नहीं बना पाऊँगी, कभी कभी क्या होता है कि कुछ लोगों को शायद पसंद ना हो कैमरे के सामने आना, मैं कैमरे में ले लूँ और उनको बुरा लग जाए बाद में, तो वो भी अच्छा नहीं होता है, तो सब चीज़ देखना पड़ता है। एनीवे अभी मैं जिम चलती हूँ और जिम के बाद आके देखते हैं क्या करेंगे। मैं जिम के बाद थोड़ी देर बाद, एक्चुअली ठंड बहुत हो रही थी, तो मैं चाय मंत्र है हमारा यहाँ पर लक्ष्मी नगर में ही है, तो वहाँ पर मैं चाय पीने गई थी। वहाँ बहुत टेस्टी चाय मिलती है और वहाँ काफ़ी लोग थे। मैं इतनी देर से फ़ोन सेट करने की कोशिश कर रही थी पर वो बार बार गिर रहा था, फिर भी मैंने कोशिश किया वीडियो कंप्लीट करूं, और फाइनली थोड़ी देर के लिए मैंने इसको सबको दिखाने की कोशिश की। वहाँ पे वैसे काफ़ी लोग होते हैं, लेट मतलब लेट तक भी रहते हैं रात को, और दिन में भी कभी भी जाओ पर चाय बहुत टेस्टी मिलती है। तो अब मेरी चाय आने वाली है तो मैं उसी का वेट कर रही थी, और ये चाय लेकर आ गए हैं। और चाय के साथ साथ यहाँ पर एक रस भी मिलता है, पापे जिसे बोलते हैं ना खाने के लिए, वो ज़रूर मिलता है एक फ्री। तो बस फिर मैं चाय इंजॉय कर रही थी, ये देखिए आपका भी मन कर रहा होगा चाय पीने का देख के। बस फिर मैंने चाय पिया, स्टार्ट है ना। सबको गुड मॉर्निंग जी। तो अभी मैं ब्रेकफास्ट करने जा रही हूँ, पहले मैंने बनाना खाया था तो अब ले रही हूँ मैं पपीता। ऐसा नहीं कि सो के उठ के बैठी हूँ, ब्रश कर लिया है मैंने और मुझे उठे हुए भी कम से कम 1.5 घंटा हो गया है, 2 घंटा हो गया है, घर की सफाई भी कर लिया। उसके बाद थोड़ा सा जो पानी मैंने आपको वीडियो बनाया था फर्स्ट व्लॉग में, गर्म पानी, मतलब थोड़ा सा चाहे गुनगुना पियो या फिर गर्म पियो पर ज़रूर लेना है 1 गिलास पानी। तो अभी मैं खा रही हूँ पपीता, और पपीता के बारे में मैंने बहुत सारी वीडियो भी अपलोड की है, शॉर्ट वीडियो भी। और आप अपने डाइट में, मींस अपने रेगुलर ब्रेकफास्ट में आप डाइट आप रेगुलर ज़रूर यूज़ करें पपीते को ब्रेकफास्ट में। अगर ब्रेकफास्ट में नहीं खा पा रहे हैं तो लंच में भी थोड़ा सा, खाना खाने से पहले आधा एक घंटा पहले थोड़ा सा ले लें। तो अभी तो मैं पपीता खा रही हूँ। मीठा है, चलो पपीता खाती हूँ। और पपीता खाने के बाद फिर अभी देखती हूँ क्या करती हूँ, बताऊँगी। चलो बाय। तो मैं मॉर्निंग के बाद दिन में कोई ब्लॉग नहीं बना पाई थी और फिर मैं थोड़ा बिजी हो गई थी,
तो मैं इवनिंग में गई थी शुगर फ्री, एक्चुअली मुझे स्वीट्स लेना था तो मैं बीकानेर स्वीट्स गई थी। तो मैं उनसे यही पूछ रही थी कि शुगर फ्री है, तो वो उन्होंने कहा था कि वेट करो, तो वो थोड़ी देर में लेकर आते हैं। अब देखती हूँ मैं इसके बाद क्या रहता है, मॉर्निंग में ही बना पाऊँगी वैसे तो मैं कंप्लीट व्लॉग। गुड मॉर्निंग गाइस, तो मैं अभी सो के उठी हूँ, 10 मिनट हुए, आंटी आ रही थी खाना बनाने के लिए। तो चलो आज मैं उनको दिखाती हूँ। ये देखो, इधर देखो। उनको शर्म आ रहा है, कोई बात नहीं, होता है, किसी किसी को कैमरे में नहीं आना है। ये अभी खाना बना रही हैं। खाना क्या बना रहे हो? अंडे आलू। अंडे आलू बन रहा है? रोटी। अंडे आलू बन रहा है, सॉरी मेरा ये हाथ इधर आ गया। अंडे आलू और क्या? रोटी। रोटी, चावल मत बनाना है ना? नहीं, चावल नहीं, क्योंकि अभी ठंड का टाइम है तो चावल नहीं। तो ये कैमरे में सामने नहीं आ रही, बट फिर भी आप लोग देख ही रहे हो ना, वो इतना ठीक है, वो कह रही है इतना ठीक है, इतना दिखा दो बस, कोई नहीं, आ जाएंगे आ जाएंगे, किसी किसी को अच्छा नहीं लगता है। तो बस मैं भी क्या कहते हैं, वैसे मैंने गर्म पानी पी लिया है, तो मैं वीडियो शूट नहीं की थी, और शायद मैं अब ब्लॉग का एंड करती हूँ। मैंने कुछ कुछ क्लिप्स लेके रखी हैं, जैसे मैं कुछ टिप्स भी दी हूँ अपने इस वीडियो में, आप सबको टिप्स भी दिया है, अच्छा अच्छा देखना, पूरा वीडियो देखना। और मैं छत पर भी गई थी, बाहर भी गई थी, चांदनी चौक का भी सब मैं आपको दिखा दूँगी, वो आप क्लिप देख लेंगे। तो मैं अब इसका एंड करती हूँ वीडियो का, और नेक्स्ट व्लॉग कब लाती हूँ, और मैं कोशिश करती हूँ कि मैं जल्दी लेकर आऊँ और आपको अपना दिन भर का रूटीन दिखाऊँ क्या करती हूँ। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था फर्स्ट व्लॉग में भी कि जो है मैं वही दिखाऊँगी, कोई अलग से गरम मसाला लगा के नहीं दिखाऊँगी। तो वो हंस रहे हैं मेरी बात पे, तो बस ठीक है। मिर्ची, हाँ मिर्ची लगा के लोग ब्लॉग बनाते, मैं मिर्ची लगा के नहीं बना रही हूँ, मैं मिर्ची कटवा रही हूँ, देखो सामने धनिया पत्ती कटवा रही हूँ। तो चलिए ठीक है फिर, और इसमें मैं फिर ये बोलूंगा, आई होप आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो, और अच्छा लगा हो तो आप सबको पता ही है क्या करना है, बताने की जरूरत है तो ठीक है बता देती हूँ, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है, लाइक करना है, और बेल आइकन बटन को दबाना है, वो इसलिए दबाना है ताकि मेरा कोई भी ब्लॉग या कोई भी वीडियो आए तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन जाए। और आप सब ने मेरे पहले ब्लॉग को भी बहुत सारा प्यार दिया, और मुझे उम्मीद है मेरे इस ब्लॉग को भी आप लोग बहुत सारा प्यार करेंगे। ठीक है, देखते हैं और दूसरा ब्लॉग कब लाती हूँ, तब तक के लिए बाय।